हेलो फ्रेंड, डीके मैकेनिक चैनल में आप सभी का स्वागत स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं टू वे स्विच का कनेक्शन कैसे होता है। जैसे ये रूम हुआ तो एक यहाँ पर स्विच हो गया और एक आपको इधर स्विच हो गया, एक आपका इधर स्विच हो गया। तो इसमें करना यह है कि अगर बल्ब को यहाँ से जलाया जाए तो यहाँ से उसको बंद कर दिया जाए, यहाँ से ऑन किया जाए, वहाँ से ऑफ किया जाए, यहाँ से और यहाँ से ऑन किया जाए, यहाँ से ऑफ कर दिया जाए। तो ऐसा कनेक्शन करना है, आपको दिखा रहे हैं कैसे कनेक्शन किया जाएगा। ये देखिए, हमने कनेक्शन कर दिया है। अभी आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर लाइन देना है और कहाँ पर बल्ब का पॉइंट देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने टू वे स्विच दो ठो लिया है, दो ठो स्विच का ये 6 पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट में बीच वाले पॉइंट ये इनपुट आउटपुट हो गया, ये इनपुट लाइन हो गया, ये आउटपुट बल्ब का पॉइंट हो गया। और इसमें से क्या करना है, इसमें क्रॉस कर देना है, ये वायर दो इसमें जोड़ लेना है और इधर का वायर इधर कर देना है और इधर का वायर इधर कर देना है, ऐसे कनेक्शन कर देना है। ये ओके हो जाएगा, स्विच काम करने लगेगा टू वे स्विच। यहाँ से ऑफ करेंगे तो ये यहाँ से ऑफ हो गया और यहाँ से चाहे तो ऑन कर सकते हैं, फिर यहाँ से भी ऑन कर देंगे तो यहाँ से चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको ये चालू करके भी दिखा दे रहा हूँ और यहाँ पर तो ये लाइन इनपुट हो गया, ये बल्ब का पॉइंट ये आउटपुट हो गया और बल्ब का जो दो तार आता है, एक ग्राउंड और एक मेन, मतलब एक अर्थिंग और एक ये मेन, दो तार आता है बल्ब से। तो ग्राउंड तो घर के वायरिंग में भी अंदर में ही दे दिया जाता है, ऊपर जंक्शन हो या फैन बॉक्स हो उसमें ही ग्राउंड को ये कनेक्ट कर दिया जाता है। ग्राउंड तो सभी का एक ही रहता है और प्लस अलग होता है, ये स्विच में जाता है। तो स्विच का ये हो गया, तो ऐसे में कनेक्शन करना है। ये भी कनेक्शन कोई उतना फास्ट नहीं है, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, एकदम इजी है, कोई भी कनेक्शन कर सकता है, लेकिन जो नहीं देखा होगा वो कनेक्शन नहीं कर सकता है। तो इसको हम जला के दिखाते हैं। यहाँ पर बल्ब होल्डर लगा के बल्ब कनेक्शन कर दिए हैं, अब आपको जला के दिखाते हैं इसको। देखिए ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब आपका जल रहा है, ये हमने कवर में ही अंदर ही रखा है, ये बल्ब आपका जल रहा है। यहाँ के स्विच हम बंद करते हैं, यहाँ पर स्विच ऑफ किए, ऑफ हो गया, यहाँ से फिर ऑन किए, ऑन हो गया, तो यहाँ से ऑफ कर देते हैं और फिर इसको यहाँ से ऑन करते हैं। देखिए यहाँ से ऑन किए तो चालू हो गया, फिर यहाँ से बंद करते हैं, ये बंद हो गया, फिर इसको हम चालू करते हैं। देखिए यहाँ से चालू हो गया, ओके है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको स्विच को हम सीधा करके भी आपको दिखाते हैं, ये स्विच को सीधा कर दिए, ये स्विच भी सीधा कर दिए। देखिए देखिए, अब हम इसको बंद करके चालू करके दिखाते हैं, यहाँ से बंद हो गया ही और यहाँ से ही चालू हो गया, फिर यहाँ से बंद हो गया, फिर
यहाँ से चालू हो गया, दोनों जगह से चालू बंद हो सकता है। यहाँ से चालू बंद हो रहा है, फिर यहाँ से भी चालू बंद हो रहा है, एक ही लाइट है तो कनेक्शन ओके है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।